हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे, अपना और अपने पूरे घर वालों का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ मेहंदी रचने वाले के अपकमिंग एपिसोड की मतलब कुछ अपडेट्स। दोस्तों, मतलब पल्लवी जो है, जिसे बहुत मतलब गलत फहमी हो जाती है क्योंकि वो पूरी बात नहीं जानती है कि राघव और उसके बाबा के बीच में क्या बातें हुई थी, क्यों लड़ाई हुई थी, क्यों राघव का मतलब राघव को आ गया गुस्सा उसके बाबा पे, तो ये सारी बातें उसे पता नहीं थी। इस चक्कर में उसने राघव को खिला दिए बहुत सारी मिर्ची, जिसकी वजह से हो गई है उसकी तबीयत खराब। दोस्तों, अब जो है वो पल्लवी को पता चलने वाला है कि मतलब क्या उससे मैस हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज यार इट्स अ रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, एक्चुअल में पल्लवी की मुलाकात होने वाली है उसकी आई से, जहां उसकी आई उसे बताएगी सारी चीजें कि मतलब कैसे कहां से शुरू हुआ, बाबा ने क्या क्या बोला उसे, उसके बाद मतलब राघव को, और उसके बाद राघव को आया गुस्सा, मतलब सारा सीनेरियो उसके सामने आएगा। तब उसे ऐसा लगेगा कि मतलब उसने राघव को गलत समझा। ठीक है, राघव को गुस्सा नहीं करना चाहिए था, बट मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा तो किसी को भी आ जाता है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात ये है कि उसके बाद आप उसको ये भी पता चलेगा पल्लवी को कि उसे कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए राघव कितना बड़ा नुकसान सह रहा है, मतलब वो कितना बड़ा नुकसान सह कर पल्लवी को वो कॉन्ट्रैक्ट दिलाया है। तो फिर ये सारी चीजें मतलब एक एक करके पल्लवी को पता चलेंगी, फिर उसे बहुत मतलब ज्यादा गिल्टी फील होगा कि उसने कितना बुरा किया उसके साथ। हालांकि उसे भी ये बात नहीं पता थी कि मिर्ची से इतनी ज्यादा उसे मतलब राघव को एलर्जी है, नहीं तो वो ऐसा कभी नहीं करती। लेकिन अब तो हो गया है जो होना था, अब डॉक्टर्स आएंगे, चेक करेंगे राघव को, फाइनली राघव ठीक हो जाएगा, फिर जो पल्लवी है उसकी केयर करती हुई नजर आएगी और दोनों की मतलब बीच की गलत फहमियां थोड़ी बहुत दूर होंगी और दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से पेश आने वाले हैं। आगे के एपिसोड्स में आप लोगों को काफी अच्छी ट्यूनिंग दिखने वाली है उन दोनों की। तो दोस्तों, आपको मेरी अपडेट कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी होगी अपडेट तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं ऐसे ही अपडेट्स आप लोगों के लिए लेकर आती रहती हूँ। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, ध्यान रखिए अपना, थैंक यू।